time and time again. Time and time again. A poem by A.K. Ramanujan. Vize Azu Tua. Hello students. I welcome you once again on my YouTube channel Vijay Edu Tour. In the last lesson we were discussing a poem Time and Time Again by A.K. Ramanujan. हमने A.K. Ramanujan की कविता Time and Time Again को स्टार्ट किया था पिछले लेसन में, जिसको हमने पार्ट वन के रूप में पढ़ा था. जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट वन देखें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए आसान रहेगा. तो हमने पार्ट वन में अ मेकर सेकिंग हैंड इन स्विट्जरलैंड यहां तक इसको डिस्कस किया था. उसके बाद जो लाइंस आ रही हैं हमारे सामने वो हैं और द म्यूचुअल डिस्टेंसेज कमेमोरेटिंग अ डोनर्स विम द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कट ऑफ समटाइम्स वाई अ चेंज ऑफ विंड अ चेंज ऑफ माइंड और अ सायरन बिटवीन द पीसेज ऑफ अ बैक स्ट्रीट क्वारल. कुछ वर्ड्स हैं उनको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. पेरेनियल फ्यूड्स, सीजनल अलायंस एंड चेंज ऑफ माइंड, बैक स्ट्रीट क्वारल. तो क्लॉक टावर की इमेजरी के माध्यम से पोएट ने अपनी पोएम को यहां पर आगे बढ़ाया है. तो उसने ये कहा था कि जो क्लॉक टावर्स के समय बताने में जो अंतर है, द डिफरेंस ऑफ द टाइम अमंग द क्लॉक टावर्स, उसके कई रीजन हो सकते हैं कि क्लॉक टावर्स अलग अलग टाइम बता रहे हैं. उसके रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है कि स्विट्जरलैंड में किसी घड़ी निर्माता के हाथ उस समय कांप गए हों जब वो इन क्लॉक टावर्स को या इन क्लॉक्स को बना रहा था. तो घड़ी बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग हिसाब से घड़ी बना रहे थे और हो सकता है उनमें से किसी के हाथ कांप गए हों या कोई मिश्र धातु में कमी रह गई हो, उस वजह से इन घड़ियों में अंतर आ जाता है. तो इन क्लॉक्स में जो डिफरेंस आ रहा है, क्लॉक्स में क्या आ रहा है डिफरेंस, तो इस डिफरेंस का रीजन क्या है, इस डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. इस डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बीइंग्स. इसकी जिम्मेदार मानव हैं कि जो अंतर आ जाता है. अब यहां पर अंतर आने का मतलब है हमारे विचारों में अंतर. क्लॉक टावर तो एक इमेजरी मात्र है, हमारे विचारों में अंतर, हमारे जो म्यूचुअल डिस्टेंसेज हैं, हमारे जो आपसी मतभेद हैं वो क्यों क्रिएट हो रहे हैं, वो क्यों पैदा हो रहे हैं, वो सब हमारी वजह से ही पैदा हो रहे हैं. और द म्यूचुअल डिस्टेंसेज, म्यूचुअल मीन्स आपसी, म्यूचुअल का अर्थ है आपसी, डिस्टेंसेज मीन्स दूरियां. तो आपसी जो दूरियां पैदा हो रही हैं, कमेमोरेटिंग अ डोनर्स विम, कमेमोरेटिंग का अर्थ होता है किसी की स्मृति में, कमेमोरेटिंग का अर्थ है किसी की स्मृति को सम्मानित करना, टू ऑनर द मेमोरी ऑफ समवन. अ डोनर्स विम, डोनर का अर्थ वैसे तो होता है दानदाता, जो दान देने वाला है वो डोनर कहलाता है. और विम का अर्थ है सनक. और द म्यूचुअल डिस्टेंसेज कमेमोरेटिंग अ डोनर्स विम, लोगों के आपसी मतभेद किसी दानदाता की सनक की वजह से हो सकते हैं. ये इसका लिटरल मीनिंग है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है. अब यहां पर दानदाता का अर्थ हम यदि लें तो इसका अर्थ हो जाता है हमारे समाज के ठेकेदार, जिनको हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कहते हैं कि धर्म हमारे हिसाब से चलना चाहिए, समाज हमारे हिसाब से चलना चाहिए,
तो वो हमें गलत व्याख्याएं बता करके हमारे बीच में म्यूचुअल डिस्टेंसेज पैदा कर देते हैं। तो ये जो म्यूचुअल डिस्टेंसेज हैं उनकी स्मृति को याद कर रहे हैं, डोनर्स विम, दानदाता की सनक को, यानी कि जो समाज के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनके स्वयं के बीच में भी आपसी मतभेद होते हैं, सभी धर्म के लोग एक मत नहीं हो पाते। तो उन ठेकेदारों कि सनक की स्मृति में ये म्यूचुअल डिस्टेंसेज हैं। द पेरेनियल फ्यूड्स, पेरेनियल मीन्स लगातार, फ्यूड्स मीन्स झगड़े, लगातार चलने वाले झगड़े, एंड सीजनल अलायंस, और सीजनल अलायंस का अर्थ है समय समय पर होने वाली संधियां, यानी कि समय समय पर, यानी पहले झगड़ा होता है फिर लोग आपस में मिल जाते हैं। द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस, सीजनल का अर्थ है थोड़े समय के लिए होने वाली मित्रता, थोड़े समय के लिए होने वाले गठबंधन, किनके, ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। यहाँ पर धर्मों के नाम ले दिए हैं पोइट ने, हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, हिंदुओं के, ईसाइयों के और मुस्लिम्स के। तो लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, लोगों के बीच में सीजनल अलायंस हो रहे हैं या हो जाते हैं, पेरेनियल फ्यूड्स हुए, सीजनल अलायंस हुए हिंदूज के बीच में, हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में, या क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में, या हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो धर्मों या दो से अधिक धर्मों के लोगों के बीच में। कट ऑफ समटाइम्स, तो ये लोग कभी कभी कट ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वाई अ चेंज ऑफ विंड, विंड का अर्थ वैसे होता है हवा, हवा के परिवर्तन से। अब हवा का परिवर्तन का अर्थ है वातावरण में परिवर्तन, तो वातावरण का एक परिवर्तन, वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, वातावरण में होने वाला कोई भी चेंज इनके बीच में म्यूचुअल डिस्टेंसेस पैदा कर देता है, इनके बीच में पेरेनियल फ्रूट्स पैदा कर देता है। तो ये हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम्स यानी कि अलग अलग धर्म के लोग कट ऑफ हो जाते हैं एक दूसरे से बाई अ चेंज ऑफ विंड, वातावरण में एक परिवर्तन के कारण। अ चेंज ऑफ माइंड, अ चेंज ऑफ माइंड का अर्थ है लोगों की समझ में परिवर्तन, लोगों की समझ में परिवर्तन आ जाता है तो लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते हैं। दे डोंट नो वॉट द ट्रूथ इज, वो नहीं जान पाते कि सत्य क्या है। इवन दे डोंट नो वॉट द ट्रूथ इज नॉट, और वो इस चीज को भी नहीं समझ पाते हैं कि सत्य क्या नहीं है। तो उनकी समझ में भी परिवर्तन आता है, और ये सब किनकी वजह से होता है, डोनर्स विम, डोनर्स विम का अर्थ है जो ठेकेदार हैं, जो धर्म गुरु हैं, समाज में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही भाग्य विधाता हैं सभी के, हम जो कहेंगे उसके हिसाब से होना चाहिए, अगर किसी ने हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है तो चाहे भले ही झगड़ा हो जाए लेकिन हमने जो कहा है वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा उनके मन में रहता है। और अ सायरन, सायरन का अर्थ होता है चेतावनी, और अ सायरन बिटवीन द पीसेज ऑफ अ बैक स्ट्रीट क्वारल। सायरन मीन्स चेतावनियां, चेतावनियां समाज में आती रहती हैं, बिटवीन द पीसेज ऑफ अ बैक स्ट्रीट, बैक स्ट्रीट का मतलब है गली, और क्वारल का अर्थ है लड़ाई। तो छोटी छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लोगों के बीच में, तो छोटे मोटे जो झगड़े होते रहते हैं जिसको कहते हैं गली के झगड़े, या बच्चों के बीच में भी झगड़े हो जाए वो भी बड़े दंगे का रूप ले लेते हैं। वो भी बड़े दंगे का रूप क्यों ले लेते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में क्या पैदा हो जाते हैं, लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, लोगों के बीच में डिस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं, और इन सब चीजों को समय देखता है। ये सारी चीजें किसकी प्रेजेंस में होती हैं, टाइम की प्रेजेंस में होती हैं। इन सभी चीजों को समय देखता रहता है कि लोग किस तरह से एक होने के बावजूद भी अपने अपने बीच में डिफरेंसेस पैदा किए हुए हैं। एक बार फिर देख लेते हैं हम इसका जल्दी से अर्थ। और द म्यूचुअल डिस्टेंसेज कमेमोरेटिंग अ डोनर सुविम द पेरेनियल फ्यूड्स एंड सीजनल अलायंस ऑफ हिंदू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कट ऑफ समटाइम्स बाई अ चेंज ऑफ विंड, अ चेंज ऑफ माइंड, और अ सायरन बिटवीन द पीसेज ऑफ अ बैक स्ट्रीट क्वारल। कहते
किसी दानदाता की सनक की स्मृति में, इन क्लॉक टावर्स के बीच में अंतर आ जाता है। अब क्लॉक टावर तो एक इमेजरी है, लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो जाते हैं, लोगों के बीच में लगातार चलने वाले झगड़े पैदा हो जाते हैं, फिर इनके बीच में सीजनल अलायंस भी होते हैं, लेकिन ये बार बार में टूट जाते हैं। किन के बीच में? हिंदू क्रिश्चियन यानी कि ईसाई और मुस्लिम के बीच में। एक थोड़ी सी भी लहर आती है तो ये लोग मार्ग से भटक जाते हैं, यानी कि इनकी यूनिटी ख़त्म हो जाती है। चेंज ऑफ विंड, चेंज ऑफ माइंड यानी कि इनकी समझ में परिवर्तन आ जाता है, और गलियों के झगड़े भी बड़े बड़े दंगों का रूप धारण कर लेते हैं। किन की वजह से? जो बड़े लोग होते हैं समाज के, जो अपने आप को लीडर मान करके चलते हैं कि लोग हमें तो फॉलो करेंगे और हम जो कहेंगे लोग उसी का अनुसरण करने वाले हैं, चाहे हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लोग उसी को सही मान करके बैठे हैं। तो इस तरह से समाज में डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, और इन सब चीज़ों को समय देखता रहता है, वो क्लॉक टावर देखता रहता है। क्लॉक टावर्स के बीच में जो डिफरेंसेज हैं, क्योंकि वो अलग अलग टाइम बता रहे हैं, इसी तरह की अलग अलग जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, वो किन की वजह से? रिलीजियस लीडर की वजह से। क्लॉक के बीच में जो डिफरेंस पैदा हुआ है वो मेकर की वजह से पैदा हुआ है, और लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं वो रिलीजियस लीडर की वजह से पैदा हुए हैं, या समाज के ठेकेदारों की वजह से पैदा हुए हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। दिस वॉज पार्ट टू ऑफ दिस पोएम। यदि आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लें, फिर उसके बाद ये पार्ट देखें तो आपको ये सही समझ में आएगा। उसके बाद हम इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट तैयार करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू सो मच।